हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नाइट रेडियो चैनल। और जो मैंने कुरियर मंगाया था विस्टा कंपनी का है, उसके कुछ ऑटो केयर प्रोडक्ट आते हैं, गाड़ी और उसके शाइनिंग वगैरह, ये जो हमारे केमिकल प्रोडक्ट आते हैं शाइनिंग के, यस इंजन वगैरह या ऐसा कुछ। तो विस्टा कंपनी एक ऑटो केयर कंपनी, तो उसका मंगवाया था। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि कुरियर आया है। ये देखो विस्टा केयर कंपनी का है और मैंने तीन चीज़ मंगवाई हैं इसमें। ये देखो रस्ट क्लीन का है, एक रीसाइन टू व्हीलर ग्लो का एंटी फॉग डायमीटर है। तो मैंने अनबॉक्स कर दिया है वैसे तो ही, फिर मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने तीन चीज़ें मंगवाई हैं क्या क्या है। पहले तो ये आया हमारा रस्ट क्लीन का, ये है 125 ml। अभी पहली बार मंगवाया है, देखते हैं कि इसमें तो दिखा रखा है कि रस्ट क्लीन हो जाता है, बट क्या सच में हो जाता है? इस पर लिखा भी हुआ है रिपेयर रस्ट रूमर। तो एक तो ये मंगवाया है, और एक मंगवाया मैंने ये बाइक केयर रीसाइन टू व्हीलर टो, तो इसको भी देखेंगे यूज करके क्या सीन क्या है इसका। गाड़ी के लिए तो नहीं है, बाइक के लिए है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है बाइक केयर है, तो ये लिखा भी हुआ है इस पर बाइक के। तो ये भी है कुछ 250 ml का, कई दिन चलेगा। और एक मैंने मंगवाई एंटी फॉग, जो हमारे ग्लास वगैरह हेलमेट वगैरह पे फॉग वगैरह जम जाना, और उसके लिए मैंने मंगवाया एंटी फॉग अनयूक डिमेटेड टेक्नोलॉजी बोला गया, 250 ml का ये। तो ये भी है, ये भी मंगवाया है। तो मैंने ये तीन चीज़ें मंगवाई हैं, तो इनको यूज करूँगा बट बाद में, अभी क्योंकि बाइक भी नहीं है मेरे पास तो बाइक के लिए। तो गाड़ी पे तो मैं एंटी फॉग यूज करता हूँ, आपको दिखाऊंगा करके मैं कैसे क्या होगा। और रस्ट क्लीन का मैं बाइक पे करके देखूँगा, क्योंकि मेरा जितना आगे का इंजन है ना, और जैसे मेरी KTM बाइक दूर है मेरे पास, तो उसका जो इंजन होता है ना आगे की साइड से बहुत मतलब रस्ट तो है बट वो जम गया है, और जैसे हमारा ऑयल निकलता है वो जम गया है उससे शायद ये निकल जाए। तो मैं ट्राई मारूंगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो चला के देखा जाएगा तब पता। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी मैंने एक कुरियर मेरा तो पहले मैंने 20 दिन पहले ऑर्डर किया था, मैंने बताया भी होगा शायद आपको, तो लुमिनिया कंपनी का प्रोडक्ट है, 20 दिन हो गए ऑर्डर किए, तो वो भी कुछ शायद इस हफ्ते में आ जाएगा, क्योंकि वो तमिलनाडु साइड से आता है, उसकी कंपनी वही है। और वो बाइक के सडल स्टे मंगवाए हैं और एक टॉप रैक मंगवाया है मैंने, तो कम से कम 9,000 का प्राइस है उनका। तो आएगा, मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, और उसकी क्वालिटी भाई बेस्ट है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का है वो, 9,000 रुपये लगे हैं यार, क्वालिटी तो बेस्ट होगी। और तो देखिएगा, तो उसको मैं करके दिखाऊँगा और लगा के भी दिखाऊँगा, और इनको आपको हर एक प्रोडक्ट आपको यूज करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि संडे है और संडे को ही वीडियो बना पाता हूँ मैं यार, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, तो ब्लॉग बनाना थोड़ा समझो आप, कम वीडियो इसलिए आ रही है मेरी, और कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग की है अभी, क्योंकि मेरा चैनल बहुत पुराना है तो वक्त नहीं मिलता था। पहले डांस की डालता था, फिर मैंने छोड़ दिया डांस की डालना, फिर सोचा यार इसमें कोई स्कोप बन नहीं रहा है, तो इसलिए हटा दिया, और फिर उसके बाद अब नई वीडियो आएगी। धन्यवाद।